फ्रेंड्स, अभी हम शोभा सम्राट थिएटर में पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि यहां पे डांस चल रहा है अंदर, तो आप एंजॉय कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुँचेगा। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा शोभा सम्राट थिएटर और उसमें चल रहा था डांस, तो अभी हम चलते हैं बाबा गोविंद साहब के मंदिर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने सब खजले की दुकान है, लाला पन्ना लाल सुभाष चंद खजले वाले जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर मेले में आए होंगे तो आप इस खजले की दुकान को जानते होंगे और बहुत ही प्रसिद्ध है और मेले में लगभग जो भी लोग आते हैं सब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं भोलेनाथ का मंदिर है और लोग स्नान कर रहे हैं और कुछ ऐसा दृश्य है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और लाइटों से सजाया गया मंदिर और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कुछ ऐसा दृश्य है मंदिर के सामने चारों तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है और लोगों की भीड़ भी जुटी हुई है, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये कॉफी की दुकान है और इधर यहाँ पे 10 रुपये हर एक सामान 10 रुपये। तो इधर खजले की भी दुकान है, बहुत तरीके के सामान की दुकानें हैं, तो इधर भी 10 रुपये, कोई भी सामान 10 रुपये में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इधर बहुत तरीके के सामान बिक रहे हैं मात्र 10 रुपये में। 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, हर एक सामान 10 रुपये और इधर 50 रुपये में, हर एक सामान 50 रुपये में। इसमें से कोई भी सामान आप 50 रुपये में ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा हमको दिखने में बच्चों के सामान यहाँ पर ज़्यादा हैं। और घर के भी सामान हैं जैसे बर्तन हुए, तो कोई भी सामान इसमें से 50 रुपये में आप ले सकते हैं। है, अरे लगाया तो 50 रुपये, तो इधर 40 रुपये में है, 50 रुपये का सामान इधर है, तो इसमें से 50 रुपये का कोई भी सामान ले सकते हैं। इधर 50 रुपये हैं और इधर 40 रुपये हैं, आप देख सकते हैं।
तो इधर कोई रेट नहीं लगा हुआ है, तो इसका दाम पूछने के बाद ही पता चलेगा। और इधर 10 रुपये और इधर 15 रुपये। इधर आप देख सकते हैं चूड़ी और कंगन की दुकान है, तो काफ़ी अच्छे से सजाया गया है और सफाई भी हो रही है। तो टोटल लेडीज सामान है और देखने में तो बहुत खूबसूरत है। और फिक्स प्राइस, मतलब इसमें लेन देन नहीं कर सकते हैं, कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एक दाम उधर सामने एक दाम लिखा है, नीचे फिक्स प्राइस